मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर ऐसी खबरें आ जाए तो लिटरली मजा आ जाता है। आप सभी को अभी तक पता चल चुका होगा कि वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले करने वाले ह्यूग जैकमैन दोबारा से रिटर्न हो रहे हैं वुल्वरीन के रोल के लिए, और वो आ रहे हैं वापस डेडपूल 3 में। तो क्या है पूरी खबर, हर चीज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन निकल चुका है, D23 निकल चुका है, यानी कि डिज्नी एक्सपो जो कि डिज्नी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। उसके बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन भी निकल चुका है। मतलब तीन इतने बड़े बड़े इवेंट होने के बाद भी मार्वल या डिज्नी ने कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करी डेडपूल 3 से रिलेटेड। और अब रियान जो कि डेडपूल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने अपने स्टाइल में और अपने पर्सनल अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड करा जो कि देखने में तो बड़ा नॉर्मल सा लग रहा था, और बस उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी खबर है, हम D23 में तो नहीं मिल पाए। पर जैसे ही वो बोलते हैं कि हिक क्या तुम दोबारा से वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले करोगे, बट वी डिड हैव वन आइडिया। हे ह्यू, यू वांट टू प्ले वुल्वरीन वन मोर टाइम? या श्योर रियान। ओ भाई, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन, तो खुशियाँ बार सब आ जाता है। मतलब वही वाली बात है ना, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। और सबसे बड़ी खास बात कि फाइनली डेडपूल 3 की रिलीजिंग डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो कि रिलीज होगी साल 2024 में 6 सितंबर को। और उसी के साथ साल 2024 में कौन कौन सी मूवी रिलीज हो रही है अपकमिंग सुपर हीरोज, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेकअप कर सकते हैं। बट मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपको ये खबर सुन के फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन एक सेकंड, वन पीस फिल्म रेड, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।